ब्लाउज ऐसा भी चल रहा है, ये ऐसे और यहाँ से ऐसे चल रहा है, तो वो कोई चीज पता चल रहा है। ये किसी और चीज में सिखा दूंगी, अभी सिंपल है, ठीक है। लंबाई 14.5 है, लंबाई में हमेशा 3 इंच ऐड करना, 14.5 15, हाँ आगे में 3 ऐड करेंगे, 14.5 आएगा तो 15.5, 16, 17, 17.5 पे मैंने इसको निशान लगाया, ठीक है। मेरा बैक नेक जो होगा वो 10 इंच तक का जाएगा, तो मैं इसमें तीरे, वैसे नॉर्मली 6 इंच के लेते हैं लेकिन 10 इंच तक जाएगा तो मैं इसके तीरे 5.5 ले रही, क्योंकि मुझे इसका जो मुड्डा होता है वो भी पतला चाहिए, यहाँ से कम चाहिए, ठीक है। तो ये ले लेंगे 5.5 तीरे, ब्लाउज काटना सिखा रही है, नहीं तो मुझे पता है लेकिन अभी तीरे कैसे कम कर रही है, कम होगा ना, मैंने तीरे कम ले लिए, 5.5 ले लिए हैं, गला खुलेगा जब 5.5 इंच के तीरे रहेंगे और गला खुलेगा 3 इंच का, तो ये इतना बचा, इतना इतना स्टिच हो जाएगा, तो कितना बचा, इतना चौड़ा, मुझे इतना ही चौड़ा चाहिए बस, ठीक है। लेकिन अगर किसी एजेड पर्सन का सिल रहे तो उनके लिए इतना मत रखना, उनके लिए कम से कम 3 इंच की पट्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो उनके तीरे हम 6 इंच के या 6.5 इंच के उस हिसाब से, गले के अकॉर्डिंग, हाँ अगर गला बड़ा होगा तो तीरे कम होते हैं, ठीक है, गला बड़ा पीछे का डीप होगा तो तीरे कम होते हैं, ठीक है। यहाँ से मुड्डे ले लेंगे, मेरे मुड्डे 6.25 पे एकदम सेट हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं 6.25 इंच पर ही लेती हूँ, 6.5 से 19.5 का ले लेंगे, 10, ये जितनी थी उससे आधा इंच कम कमर ले लेंगे, 10 मैंने ये लिया है तो मैं आधा इंच कम उसको ले रही हूँ, ठीक है। उसको मैंने मिलाया, 3 इंच तक का मार्जिन छोड़ा और यहाँ से ना 1.5 इंच सिखा रखा था, 1.5 इंच लेकर के गुलाई करते, लेकिन वो बैक की होती, अभी हम फ्रंट की गुलाई करेंगे, तो इसको हम ऐसे ले लेंगे, ठीक है। फ्रंट है, ब्लाउज है, तो ठीक है दीदी, पहले काट लेते हैं, काट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पहले काट लेती हूँ, क्योंकि ये ब्लाउज अभी कटेगा और अभी सिलेगा, इसलिए काट लिया। अगर ये ब्लाउज कट करके रखा जाएगा या मुझे कल सिलना होगा तो मैं पहले एक बैक की गुलाई लूँ, क्योंकि ब्लाउज कटने के बाद में खुलने लगता है यहाँ से, आधा इंच, ठीक है। तीरे 5.5 लेते तो मैं इसमें इतना अंदर चली जाऊंगी, डीप 5.5 तीरे, 6.25 इंच के मुड़े। कई बच्चे इसको ना यहाँ तक ले लेते, फिर उनकी गुलाई नहीं हो पाती, अरे 1.5 इंच में गुलाई भी जाएगी हमारी, तो इतना कपड़ा होना चाहिए। लंबाई हैगी हमारी 14.5, 15, 16, 16 2 इंच का ऐड कर लिया मैंने, 16.5 लूंगी। लेकिन जो हमारा ब्लाउज का फैब्रिक है ना वो बहुत ज्यादा चुभने वाला है, तो मैं इसको स्टिचिंग वाला बनाऊंगी, तिरपाई वाला नहीं बनाऊंगी। जब भी ऐसा फैब्रिक हो ना कि पूरा भरा हुआ है, तो उसको पूरा ऐसे करके ऐसे करोगे तो ये चुभेगा अंदर जाएगा, तो कोशिश करना ऐसे ब्लाउज हमेशा सिलाई वाले बनाना। तो मैं इसमें लंबाई में 1 इंच ऐड करूंगी, तैयार ब्लाउज 14.5 है, 1 इंच ऐड करूंगी, 15.5 इंच, सेम वैसी करेंगे, जितनी चेस उसमें थी इतनी चेस इसमें ले लेंगे। अभी तो बताया ना मुझे सिलाई वाला, सिलाई वाला आएगा, तुरपाई नहीं होगी, सिलाई होगी। अच्छा नीचे जो तो हाँ। ये 1.5 इंच का गैप लिया हमने और इसको मैं राउंड शेप ले लूंगी, ठीक है। ये मेरी राउंड शेप आ गई, सीधे मैंने आज तक ब्लाउज आपने कभी मैंने हमेशा जब भी ड्राफ्ट दिया है, ड्राफ्ट में मैंने ये सिखाया है कि यहाँ से आधा इंच का गैप लेते हैं, इसको लाइन लगाते हैं और गुलाई करते हैं, आगे की गुलाई होगी ना, जैसे अपन सूटों में करवाते हैं, आगे लाइन नहीं लगे बेटा, लेकिन गुलाई मैंने बदल ली है, हाँ है ना। नहीं दीदी ने ना पहले ब्लाउज ना हमेशा हम तो 2-3 दिन सिलते हैं ना, इसलिए दीदी पहले गुलाई नहीं करवाते ना, कपड़ा खुल जाएगा अगर तुम पहले काट लोगे, पहले सिल लोगे ना, तो यहाँ से मुद्दे की गोलाई खुलती चली जाएगी, क्योंकि कट्टा जब कपड़ा कटता है ना तो उरेल पड़ता है। जब हम कपड़ा काटते हैं, अगर हमारा कपड़ा पूरा 90 डिग्री के कोण पर कट रहा है तो ठीक है, अगर 90 डिग्री के कपड़े पे काट रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर कपड़ा हमारा ऐसा कट रहा है कि उसका कोई कोण नहीं है, अब यहाँ से देखो पूरा ऐसे घूम जा रहा है ना, तो यहाँ से कपड़ा खुलना चालू हो जाएगा, मतलब जो कपड़े के रेशे होते हैं ना ऐसे ऐसे करके आते हैं हमारे कपड़ों के रेशे, ऐसे ऐसे करके इसकी बनावट होती है। अगर हम इसको ऐसे काट रहे तो नहीं खुलेगा, लेकिन अगर हमने इसको ऐसे काट दिया तो ये खुलना चालू हो जाता है,
इसी में ही होता है, हमारा जो सूट पूरे चले जाते हैं ना उसमें भी यही दिक्कत होती है। अगर सूट की बुनावट जो है ना 90 डिग्री के कोण पर ना हो, ना थोड़ी तिरछी हो, मतलब ऐसे ना हो करके ऐसे ऐसे हो, और हमें यहाँ से सूट निकालना हो तो हमारा सूट टेढ़ा हो जाता है, एक साइड से दूसरी साइड आ जाता है, तो पहले ही दिखता है। ठीक है, सूट हमेशा जब भी खरीदे तो उसको पूरा खोल के ओपन करके देखो कि दामन कैसा है उसका, सीधा है। कई बंदे वो पैक होता है, पिन लगी होती है, वो पूरा पिन यहीं पे आके खोलते हैं, उन्होंने देखा ही होता है। ठीक है, यहाँ से नॉर्मल साइज के लिए 2.5 लेना, लेकिन मेरा बैक गला जो होगा वो 3 इंच का खोलूंगी मैं, तो इसको 2.5 इंच पे खोल रही हूँ क्योंकि इसमें पट्टी बनाएंगे अस्तर की। 6.5 इंच का या 7 इंच का गला चाहिए होता है तो उसमें 1/2 इंच ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मुझे 7 इंच का गला चाहिए तो मैं 8.5 लूंगी, और ब्लाउज में हमेशा आगे का गला थोड़ा सा बड़ा होता ही है सूट के अकॉर्डिंग। मैं सूट का 6.5 पहनती हूँ और ब्लाउज का 7 पहनती हूँ। ठीक है, क्योंकि प्लेटें जब सेट होती है ना तो ये ढक जाता है और ये दम से घुटने लगता है। ठीक है, तो 7.5 लिया मैंने ये, उसको लिया मैंने राउंड शेप। ठीक, अब इसके बाद मैं प्लेटें लूंगी। अब मेरा साइज जो है ना 19.5 मतलब 20 तक में जा रहा है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक मैं इसको 4 इंच का गैप ले लूंगी। ठीक है, साइज जैसे जैसे कम होगा, मतलब ब्रेस्ट साइज जितना जितना कम होगा ना, हम ये 3.5 इंच पे लेंगे, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा 4, इससे ज्यादा होगा तो 4.5 तक जा सकता है। हमें 9 का बनेगा तो हम 4.5 पे लेंगे। अब यहाँ से स्टिचिंग का 1/2 इंच छोड़ दोगे। ठीक है, और यहाँ से ब्लाउज की प्लेट ले लोगे, सबकी प्लेट का अलग अलग होता है। ठीक है, मेरी ब्लाउज की प्लेट 11 या 11.5 इंच तक सेट होती है, मैं 11.5 इंच तक लेती हूँ। ब्लाउज की प्लेट हमेशा जब भी लो ना तो ऐसे करके ऐसे देखो, 11 इंच इधर आ रहा है, मुझे 11 इंच इधर नहीं, इससे 1/2 इंच नीचे, ब्रेस्ट पॉइंट से 1/2 इंच नीचे चाहिए होता है। तो जब भी लेंथ नापो तभी देख लो कि सामने वाले का ब्रेस्ट पॉइंट क्या है। ठीक, ये निशान। ठीक है, यहाँ से 2 इंच उठाया, यहाँ से अब कैसे उठाना होता है अगर नहीं समझ में आता तो 2 इंच पे सीधा निशान लगाया, 1/2 इंच ऊपर उठ गए, सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, ये ठीक, और ये वाला इतना देखो, जब ब्लाउज तैयार होगा ना तो इतना फोल्ड भी होगा, इतना याद रखा करो, जब फोल्ड हो तो यहाँ पर 1 से 1.5 इंच का गैप होना चाहिए। कई बच्चे जो है ना इसको ऐसे ले जाते हैं, ऐसे नहीं ले जाना होता क्योंकि तुरपाई होगी, ये जब तुरपाई होकर के ऐसे बनेगा तो ये प्लेट जो है ना यहाँ जाएगी नीचे, और प्लेट टिकाना चाहिए साइड में। ठीक है, ये दोनों हो गई मुड्डे की तरफ, यहाँ पर से 2.5 इंच की प्लेट डाल देते हैं। ठीक है, ऐसे इसको ऐसे करेंगे कि इसको इसके साथ में कट करें, शर्ट के साथ में। बैक साइड पे छाप इस वाले को निशान को डाल, चुभने वाला कपड़ा है इसलिए आप स्लीव पे भी लगाओ क्या अस्तर? हाँ नहीं, छोटी स्लीव पे हमेशा अस्तर दो, जब तक कोनी स्लीव ना हो ना तब तक अस्तर दो, और ये भी अगर मैं कोनी बनाती तो अस्तर देती क्योंकि चुभने वाला है। ठीक है, जैसे जॉर्जेट की स्लीव हो, पेन हो, तो फिर नहीं भी लगाओगे तो भी इग्नोर करोगे तो चल जाएगा। देखो 4 इंच की स्लीव है, मुझे इसको सिलाई वाला बनाना है, मोड़ने वाला नहीं बनाना है। ठीक है, तो 4 और 1 प्लस करूंगी 5। इसकी चौड़ाई देख लेंगे, 9, 9.5, 10 के करीब बैठ रहा है। यहाँ से 2 इंच का गैप लिया बॉटम, यह अगर मुझे जोड़ लगाना पड़ेगा ना स्लीव में तो मैं इसको काट लूंगी, और ये जो कपड़ा होगा ना ये इसका जॉइंट होगा, ये इसके साथ में जॉइंट होगा, तो मैं इस फैब्रिक को सीधा रखूंगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ये। इसको
इसको मैं हाफ इंच नीचे जाके लगाऊंगी, ठीक है, बराबर रख के नहीं, क्योंकि आधा इंच सिलाई में जाएगा बस। इसका जॉइंट काटना है वो बाद में, पहले मैं इस ब्लाउज को निकाल दूंगी। करते हैं एक ही तरफ का ब्लाउज बना देते हैं। इसके साथ में ये ऐसे और उसको पेस्ट करते हैं उसको ऐसे। ये फ्रंट है हमारा, कटिंग एक साथ ही होगी, बहुत अच्छी, ठीक है। अब मैं इसमें से फ्रंट की हमारी तिरछी पट्टियाँ निकालेंगी, ठीक है। तो मैं इसी में से पहले तिरछी पट्टियाँ निकाल लेती हूँ। तिरछी पट्टियाँ इतनी ही बड़ी है क्योंकि फेसिंग पट्टी बनानी होती है। योगे अब इसमें से मेरा बैक गला भी निकलेगा, वो फेसिंग पे बनाएंगे हम, ठीक। और कुछ चाहिए? हाँ, हुक बटन के लिए, हुक बटन के लिए पट्टे निकाल दे, ये बाजू के लिए एक्स्ट्रा, बाजू काट लिए ना हमने, हाँ उसमें जोड़ लगेगा, जॉइंट आएगा थोड़ा सा, वो तो इसमें से निकाल लेंगे हम, जॉइंट जो का ऐसे निकाल लेते। ये हमारा जॉइंट आ जाएगा इसके साथ का, ठीक है। हम जॉइंट इसके साथ में इसको रहते हैं।